हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हार्ट। हार्ट क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गेन है, मिडिल मीडियास्टिनम में लोकेट होता है और पेरिकार्डियम इसको इनक्लोज करता है। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू और सेल्स। लोकेशन ए ऑब्लिकली मिडिल मीडियास्टिनम में लाइन करता है, जिसकी अपेक्स टू आर द लेफ्ट साइड होती है। अब लिकल लाइन करने से क्या हो, यहां पे जो राइट वन थर्ड है वो मीडियल मिड एक्सटर्नल लाइन से राइट वन थर्ड राइट साइड होगा, चाहे वन थर्ड ऑफ द हार्ट राइट साइड होगा, टू थर्ड ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड होगा। कौन सा? मिड एक्सटर्नल लाइन से। ये लाइन करता है पोस्टीरियर टू द स्टर्नम एडजॉइनिंग कोस्टल कार्टिलेज एंड वेंट्रल और एंटीरियर टू द लेफ्ट ब्रोंकस इसोफेगस और डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। जो हार्ट है कहां लग कर यहां पे सेंटर टेंडन ऑफ द डायफ्राम। वो सरफेस कौन सा है? डायफ्रामेटिक सरफेस, जो सेंटर टेंडन ऑफ द इंफीरियरली लाइन कर रहा है। जो एपेक्स आप कौन से फोर चैम्बर एक्सटर्नल फीचर होता है, एक्सटर्नल फीचर का हार्ट देखोगे इसकी डायमेंशन होती है 12 × 9 cm। उस डायमेंशन होते हैं कितने हो गए 12 × 9 cm। वेट देखोगे, वेट मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम। वेट ऑफ द हार्ट मेल एंड फीमेल डायमेंशन दोनों में सेम होती है, दैट इज अ 12 × 9 cm। कौन सा चैम्बर ऑफ द हार्ट? चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम सुपेरियरली होती है, वेंट्रिकल इंफीरियरली। फिर उसके बाद करते हैं अदर फीचर, एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स पॉइंटेड पार्ट मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड होता है बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट मेनली बनाता है लेफ्ट एट्रियम और पार्शियली राइट एट्रियम, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस और द बेस ऑफ द हार्ट, जहां पर फोर पल्मोनरी वेंस ओपन होती है। तीसरा होता है फोर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड थ्री सर्फेस। ये बॉर्डर को सेपरेट करने वाला कौन सा है? अपना बॉर्डर, सॉरी सरफेस को सेपरेट कौन सा है यहाँ पे? बॉर्डर। सरफेस कितना हो गया? इंटीरियर सरफेस और एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस, लेफ्ट सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस। इस डायग्राम में देखते हैं और फीचर होता है, और दूसरा कौन सा होता है? सल्कस और ग्रूव, जो हार्ट के बीच में दो चैम्बर के बीच में जो ग्रूव मिलेगा उसको हम बोलते हैं सल्कस। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव और लाइंस को बोलते हैं सल्कस, जहां पे कोरोनरी आर्टरी और वेंस लाइन। डायग्राम में देखते हैं ये अपना सुपीरियर वेना कावा, नीचे कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन करती है, तो कौन सा ये? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के पीछे से या लेफ्ट वेंट्रिकल से एसेंडिंग एओर्टा निकलती है, वो आर्च ऑफ एओर्टा में कन्वर्ट होता है। जो पल्मोनरी ट्रंक है वो दो में विभाजित है टू पल्मोनरी आर्ट। ये कौन सी? पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल बनाते हैं, ये कौन सा अपना? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल फिर देखोगे यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, ऊपर पार्ट में थोड़ा लेफ्ट एट्रियम की एक्सपांडेड पार्ट होती है, प्रोजेक्टेड पार्ट उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। हियर इज अ लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। एक तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सी? पल्मोनरी ट्रंक आर्च ऑफ एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा और
आर्च ऑफ एओर्टा तीन काम से देती है, तो जो राइट ब्रैकियोसीफैलिक आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन क्रेटर आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो कौन सी यहां पे एक्सटर्नल फीचर आता है, ये एंटीरियर सर्फ है, इसमें आप क्या देखा एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इज लोकेटेड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस व्हिच इज लैटरल टू 9 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एंड मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर पॉइंट इन एडल्ट, बट इन केस ऑफ द चिल्ड्रेन दिस इज लाइंग ऑन द मिड क्लेविकुलर पॉइंट, कौन सा अपेक्स ऑफ द हार्ट। सेकेंड होती है बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट देखते हैं दूसरे डायग्राम में पोस्टीरियर व्यू से, ये कौन सी यहां पे सुपीरियर वेना कावा, नीचे कौन सी है इंफीरियर वेना कावा, ये है राइट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रंक, इसी तरह एसेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा जो ब्रांच दे रही है यहां पे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम जहां पे पोस्टीरियर व्यू है, पल्मोनरी बोन्स ओपन हो रही है, दिस इज द राइट एट्रियम, ये कौन सी है राइट एट्रियम, ये कौन सी है लेफ्ट एट्रियम। सो बेस ऑफ द हार्ट और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज फाउंड मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड पार्शियली बाय द राइट एट्रियम, इन द लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियर सरफेस कैन सी देयर इज अ फोर ओपनिंग, ओपनिंग किसका पल्मोनरी वेंस का, दो लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग से आती है, दो राइट साइड लंग से आती है, ठीक कौन सी यहां पे बेस ऑफ द हार्ट। तीसरा है यहां पे फोर बॉर्डर, तो हो जाएगा यहां पे राइट बॉर्डर, जिसका राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम, तो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, कौन सा है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड राइट बॉर्डर, ये कौन सी है राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम बिटवीन द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के बीच में। सेकंड है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट बॉर्डर, सो लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द लेफ्ट ऑरिकल अपर पार्ट स्मॉल पार्ट बाय द लेफ्ट ऑरिकल एंड मेनली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट एंटीकम आती है, कौन सी लेफ्ट बॉर्डर आता है। थर्ड इज द अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर इज ऑब्लिक बॉर्डर मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम जो इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, कौन सी लेफ्ट एट्रियम एंड पार्शियली बाय द राइट एट्रियम, सो दिस बॉर्डर यहां देखो डॉक्टर बॉर्डर कैसे बॉर्डर बनाता है, तो बनाता कौन सा अपर बॉर्डर और द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। तीसरा है कौन सा लास्ट कौन सा इंफीरियर बॉर्डर, सो दिस बॉर्डर इज नोन एज द इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है ना, इनफीरियर कौन सा बना है यहां पे राइट वेंट्रिकल मेनली बाय द राइट वेंट्रिकल एंड स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ द अब सरफेस, कौन सा इंटीरियर सरफेस, इस सरफेस को बोलते हैं इंटीरियर सरफेस और एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस। लेफ्ट साइड में कौन सी होती है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग्स, नीचे दाइड क्या होती है कार्डियक मोज बना लेती है, जहां पे हार्ट क्या होती है जो लेफ्ट लंग से पावर नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग डलनेस ऑफ द हार्ट, कार्डियक डलनेस ऑफ द हार्ट, दैट्स अ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस ऑफ द हार्ट, सो दिस द एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस। सेकेंड इज द लेफ्ट सरफेस, दिस सरफेस इज नोन एज द लेफ्ट सरफेस व्हिच इज मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, सो मेनली क्या बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, स्मॉल पार्ट बनाता है लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट सरफेस। डायफ्रामेटिक सर्फेस, डायफ्रामेटिक सर्फेस इज लाइंग ऑन द डायफ्राम, ठीक है ना, सो दिस सर्फेस एरिया जो पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं यहाँ पे तो ये एरिया जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इस सर्फेस को बोलते हैं लोग डायफ्रामेटिक सर्फेस, जो डायफ्रामेटिक सर्फेस है मेनली बाय फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो टू थर्ड बनाता है कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल, वन थर्ड बनाता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, दोनों के ग्रुप देखोगे तो कौन सा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप है ना, तो कौन सा है डायफ्रामेटिक सर्फेस। लास्ट वन फीचर इज द ग्रुप और सल्काई ऑफ द हार्ट, ग्रुप क्या है एक लॉन्गिट्यूडनल इंप्रेशन है जो राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में
एक डिमार्केटेड गया है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जैसे क्या हमारे हो गए आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, मीन्स जो एट्रियम है और वेंट्रिकुलर बीच के बीच में जो ग्रुप बनता है, दोनों को राइट आर्ट्रियम को वेंट्रिकुलर रिप्रेजेंट करती है, उस ग्रुप को बोलते हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। ये कौन सा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल। तो स्टिली देखोगे यहाँ पे डायफ्रामेटिक सर्किल देखोगे तो कौन सा आर्ट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल, बिटवीन ग्रुप बन रहा है ना, तो कौन सा जगह आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, कौन सा जगह पोस्टीरियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, एक कौन सा इंटीरियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन सर, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप, तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रुप दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं एंटेरियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। और फिर देखोगे डायफ्रामेटिक सर्फेस पे भी कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ग्रुप दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। थर्ड इज इंटर आर्टियल ग्रुप, एंटेरियरली तो नहीं पोस्टीरियरली देखोगे तो कौन सा है, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, दोनों आर्ट्रियम बीच में फेंट रीज दिखाई देगा, उस रीज को, उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इंटर आर्टियल ग्रुप। सो दिस ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। थैंक यू।